नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी में इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों से जारी है। सभी नेता जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजगंज पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परिवारवादियों ने पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर यूपी के विकास को रोका है। जिन जिलों को परिवारवादियों ने पीछे ढकेला, उन पर ज्यादा फोकस करते हैं हम। उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ किसी को विधानसभा भेजने का नहीं, किसी को विधायक बनाने का नहीं, ये चुनाव उत्तर प्रदेश को मजबूत और नए विकास के रास्ते पर ले जाने का चुनाव है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में बैंक खाते मात्र 3.25 करोड़ थे, जो सिर्फ अमीरों के थे। जब मोदी जी ने कहा कि मैं बैंक में गरीबों के खाते खुलवाऊंगा, तो यही चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए लोग। 7 जवान मारे जाते हैं, 7 माताओं की कोख सुनी होती है, 7 बहनें विधवा हो जाती हैं, 7 परिवार के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। यूपी की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स और देश की एनआईए एक व्यक्ति को नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पकड़ती है, जिसका नाम है शहाबुद्दीन। ये शहाबुद्दीन बिहार का रहने वाला है। जब इससे इंटरोगेशन होता है तो पता चलता है कि यह इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर इन चीफ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर सपा की सरकार बनी तो 5 साल मुफ्त राशन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में बीजेपी की हार के डर से बाबा को नींद नहीं आ रही है, जनता उनको बाय बाय कर चुकी है, लोग बीजेपी की सरकार से परेशान हैं। शिक्षा मित्र भाइयों, बताओ आपकी मदद की थी समाजवादियों ने कि नहीं की थी? ये धोखे में आ गए बीजेपी की में। इन्हें भरोसा था कि बीजेपी मदद करेगी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने शिक्षा मित्रों को भी नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बीपीएड वाले कहां तक लड़े? सुप्रीम कोर्ट तक। बताओ सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़नी पड़ी कि नहीं? आपकी मदद हम लोग कर रहे थे कि नहीं? बीपीएड वालों को भी कहां समाजवादियों ने नौकरी निकाली थी? तब से आज तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। इसलिए आपकी मदद करने का काम और आपको नौकरी देने का काम समाजवादियों की सरकार में होगा। और अगर नौकरी नहीं मिली तो हमारे ये नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। बताओ उम्र बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अब शिक्षा मित्रों को तो कोई नौकरी देने वाला नहीं है। अगर कोई मदद करेगा तो समाजवादी लोग मदद करेंगे आपकी, कम से कम आपको सम्मान दिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे और 7वें चरण के मतदान से पहले सियासी दलों ने प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने कुशीनगर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने कहा था कि अगर 370 हटा तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन मोदी जी ने चुटकी में अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया। खून की नदियां तो छोड़ो, किसी के कंकड़ चलाने तक की हिम्मत नहीं हुई। साथ ही अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं को यूपी से खदेड़ा है। आज अतीक अहमद, आजम खां, मुख्तार अंसारी जेल में हैं। प्रेमचंद जी, श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, श्री रमेश सिंह जी, विजय कुमार शुक्ल जी यहां पर आए, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सहप्रभारी भाई संजय मयूख जी, जिनको जिताने के लिए मैं आज यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई पीएन पाठक जी। भाई पाठक जी के लिए सभी लोग एक बार ताली बजाओ जरा जोर से। और आज इस कार्यक्रम में आए हुए
प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। आज युद्ध का पांचवा दिन है। यूक्रेन में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। रूस की सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी और हवाई हमले हो रहे हैं। इस दौरान एक वीडियो हमारे सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि यूक्रेन के नागरिक रूस के टैंकों का रास्ता रोक रहे हैं। दरअसल लोग रूस के टैंकों के सामने खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नीतीश ने कहा कि अब शराब पीते पाए जाने पर जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इसके बदले शराबी को सिर्फ शराब माफिया की जानकारी देनी होगी। अगर शराब माफिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो शराब पीने वाला जेल जाने से बच जाएगा। बता दें कि शराबबंदी के बाद बिहार में शराब तस्कर एक्टिव हो गए थे, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, जिसके बाद नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया और बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग को भी इसमें विशेष अधिकार दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।